हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट सॉरी डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट का हमने पिछले वीडियो दो वीडियो में 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 25 से लेकर के 40 तक के यानी जो 15 क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए 26 नंबर पर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कुर्सी तथा एक मेज के अंकित मूल्य 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है, यदि कुर्सी तथा मेज दोनों पर सम्मिलित छूट 26% है तो मेज पर जो कितनी छूट है ये हमें बताना है। तो देखिए कुर्सी और मेज है, कुर्सी और मेज है, तो अब हम यहाँ पे कुर्सी के लिए लिखेंगे सी और मेज के लिए टी, यानी कि चेयर और टेबल। चेयर और टेबल का जो विक्रय मूल्य का सॉरी अंकित मूल्य का यानी मार्केट प्राइस का जो रेशियो दिया है वो 2:3 दिया है। 2:3 देने का मतलब हम यहाँ इसको ये भी कह सकते हैं कि दोनों रेशियो में अगर हम 100 से गुणा कर लें तो ये इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 200 और 300 हो जाएगा। इन दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जिसका मल्टीप्लाई इसमें उसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हैं, तो ये मार्केट प्राइस हमारा 200 और 300 भी हो सकता है। इसको बस हम फ्रैक्शन मतलब दशमलव में मान ना जाए इससे बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो 200 और 300। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि अगर दुकानदार कुर्सी पर जो है 20% की छूट देता है, कुर्सी पर 20% का छूट देने के बाद मतलब ये है कि अगर 20% का वो छूट दे देगा तो बेचेगा कितने का, 160 का बेचेगा, क्योंकि 200 का जो 20% यानी 80/100 निकालेंगे तो उसका मान आ जाएगा आपका कितना, 160 रुपये आ जाएगा, 160 का बेचेगा। फिर वो कह रहा है कि इस पे आपका 20%, फिर कह रहा है कि यदि कुर्सी तथा मेज दोनों पर सम्मिलित छूट 26% का हो, दोनों पर 26% का सम्मिलित छूट, यानी देखिए दोनों का मार्केट प्राइस क्या है, 500 है, यानी दोनों का मार्केट प्राइस है 500 और दोनों पे सम्मिलित छूट कितने का है, सम्मिलित छूट है आपका 26%। तो 500 का 26% अगर हम छूट निकाल दें तो इसका मतलब बचेगा कितना, 74%, यानी 74/100, ये 00 से आपका 00 कट जाएगा। तो अब हम 74 × 5 अगर सॉरी हाँ 74 × अगर हम 5 करें तो हमारा कितना आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारा ये 370 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 370। तो 74 × 5 करें तो ये आ गया 370, यानी दोनों पे सम्मिलित छूट देने के बाद वो कितनी की बिक रही है, बस 370 की। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो टेबल है वो कितने छूट पर बिक रहा है, तो टेबल कितने छूट पे बिक रहा है इसको निकालने के लिए देखिए ओवरऑल हमारी वस्तु कितने की बिक रही है, 370, यानी देखिए 26% की छूट देने के बाद दोनों टेबल और कुर्सी पे दोनों पे जो है 370 की बिक रही है 26% की छूट देने के बाद, और कुर्सी जो बिक रही है 160 की बिक रही है 20% की छूट देने के बाद। तो टेबल की कितने, देखिए टोटल दोनों 370 की बिक रही है, कुर्सी 160 की बिक रही है, तो यहाँ टेबल कितने का बिक रहा होगा, 210 रुपये का बिक रहा होगा। कैसे निकालें हम, 210 का बिक रहा होगा, इसमें से 370 में से 160 निकाल दें तो यानी हमें टेबल का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा जो कि है 210 रुपये। तो अब हमें इसका छूट प्रतिशत निकालना है, तो 300 का खरीद के, अच्छा बताइए मार्केट प्राइस 300 है और बेच रहे हैं 210 का, तो यहाँ छूट कितने का है, 90 का छूट हुआ, 90 रुपये का छूट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, 300 के रिस्पेक्ट में। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये 00 00 कट गया, और 90/3 करेंगे तो यानी 30 90 30% की छूट होगा, टेबल पे कितना छूट हो जाएगा 30% का। तो इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे साल। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 27 नंबर के प्रश्न पे। 27 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 17% अधिक है, यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो मशीन का क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं 100 है, सीपी मशीन का हम मान लेते हैं कि सीपी उसका कितना है, 100 रुपये है, और उसका अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित किया जाता है, तो 70% अधिक उसके क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक किया जाता है, 70% अधिक, यानी मार्केट प्राइस उसका कितना अंकित हुआ होगा, 70% अधिक का मतलब 170। अब कह रहा है कि उसको क्या है, 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो अगर 100 की कोई वस्तु है और 44.5% के लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो 144.5 में बेचा जाएगा, 144.5 में बेचा जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर इतने में बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा, तो अब बताइए मार्केट प्राइस अगर 170 है और बेची जा रही है 144.5 में, तो टोटल अगर हम रेशियो में देखें छूट कितने का हुआ, तो इसमें से हम क्या करेंगे 170 में से 144.5 घटा देंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि छूट कितने का हुआ, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25.5 सॉरी 25.5 की छूट हो रहा है, यहाँ हमको दिखाई देगा 25.5।
अब ये 25.05 है ये छूट है किसके रिस्पेक्ट में, 170 के रिस्पेक्ट में छूट प्रतिशत किसके रिस्पेक्ट में होता है, एक जो है आपका मार्केट प्राइस के, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, ये जीरो आपका एक जीरो से कट जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 255/17। अब इसको आप अगर आप काट दें तो ये आ जाएगा आपका 255/17, 255 जो है आपका 17 से कितने बार में कटेगा, ये 15 बार में कट जाएगा, यानी छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा 15% की छूट हो जाएगा। इस प्रश्न का सवाल सही जवाब क्या हो जाएगा 15%। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर के प्रश्न पे। 28 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल है इसका, मान लेते हैं इसको सिंपल, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, इसका सीपी मान लेते हैं 100, किस क्या मान लेते हैं सीपी मान लेते हैं 100 है, 100 है, और उसके अंकित मूल्य क्या हो जाएगा इससे सीपी से 40% अधिक, यानी एमपी हो जाएगा 140। एमपी कितना हो जाएगा 140, यानी 100 रुपये की वस्तु है जो जिसका क्रय मूल्य 100 है और मार्केट प्राइस है 140, तो इसको हम 40% अधिक मतलब 140 कर दिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि इस पे अगर 50% की छूट दी जाती है, यानी 140 पे 50% की छूट होगी, छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे, तो 50% का छूट मतलब 50/100 होगा, 50/100, ये 00 से 00 कट गया, 14/25 70, यानी बिकी कितनी की वस्तु, वो 70 रुपये की। तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है कि क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य आ गया हमारा 70, विक्रय मूल्य आ गया 70 और क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य है हमारा 100। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा आपका सही जवाब क्या 70%, यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का है 70%। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर आपसे पूछता कि यहाँ लाभ हो रही है यहाँ, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हानि होगी, क्योंकि देखिए 100 रुपया उसका सीपी और बिक रहा है कितने में 70 रुपये में, तो कितने की हानि हो गई 30 रुपये की हानि हो रही है, लेकिन हमसे पूछ जितना रहा है हम उतना ही जवाब देंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 29 नंबर के प्रश्न पे। 29 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की जो छूट देता है, अंकित मूल्य पर क्या करता है 22% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है, यदि वस्तु की लागत जो है वो 520 है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले क्या देखिए, हमको पता है सीपी, सीपी पता है, तो हम यहाँ से 20% की लाभ कमाता है, तो सबसे पहले देखिए हमको पता क्या है सीपी पता है, सीपी क्या है 520 दे रखा है और लाभ कितने कमा रहा है 20% का, तो एसपी क्या आ जाएगा, एसपी इसका 520 जो है 520 और 20% का लाभ, यानी 120/100, 120/100 कर देते हैं, ये 00 से 00 काट देंगे, तो हमें यहाँ एसपी पता चल जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा इसका 624 रुपये आ जाएगा एसपी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 624। तो हमें अब ये विक्रय मूल्य पता चल गया एसपी। अब फिर कह रहा है कि अगर उसने अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो देखिए 22% की छूट दे रहा है, यहाँ तो हमें एसपी पता चल गया, देखिए सीपी पता था, सीपी से 20% का लाभ, यानी हमने निकाल लिया एसपी, यानी 624। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि वो मार्केट प्राइस पर कितना छूट दे रहा है 22% की, तो मार्केट प्राइस पे अगर छूट दे रहा है 22% की, तो 22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 11/50, देखिए 2 से हमने काट दिया, तो 11/50 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, तो 11/50 अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है तो यानी कि ये वस्तु का मार्केट प्राइस क्या रहा होगा 50 रुपये रहा होगा, और बिकेगी कितने की वस्तु, तो 50 में से हम 11 घटा देंगे यानी 39 में, एसपी कितना आ जाएगा 39, ये नहीं कि मार्केट प्राइस अगर 50 रहा होगा और बिकेगा 39 में, ठीक 39 में बिकेगा तो उसको जो है 22% की छूट, लेकिन ये 39 का बिकेगा तो हमने ऑलरेडी ये रेशियो का मान है 39, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमने कितना निकाल लगा 624 रुपये निकाल लगा कि जो वस्तु बिक रही है वो 624 में बिक रही है, तो एक रेशियो का मान हम यहाँ से पता कर सकते हैं, तो 39 बराबर मतलब 39 रेशियो का मान 624, तो एक रेशियो का मान हम अगर यहाँ से निकाल लें तो एक रेशियो का मान आप काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा, आप इसको टुकड़े में करके भी काट सकते हैं, ये 16 बार में कटेगा, और एक रेशियो का मान अगर 16 आ गया तो हम विक्रय यानी अंकित मूल्य निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य का जो रेशियो है ये 50 है, तो 50 में हम 16 का गुणा कर देंगे तो 16/25 80, यानी 800 रुपये अंकित मूल्य उसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिखाई दे रहा है कि ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 30 नंबर पे। 30 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% जो है ऊपर अंकित करता है,
बाजार मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर हमें बताना है। तो मान लीजिए ये दे रखा है आपको प्रश्न में कि उसको 25% जो है सीपी से अधिक अंकित करके 10% की छूट दे करके 720 रुपये में बेच दिया गया। तो सीपी और एसपी में हमें, सॉरी, सीपी और एमपी में यानी मार्केट प्राइस में हमें अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा देखिए 25% ऊपर अंकित करता है यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी अगर 4 उसका सीपी रहा होगा तो सीपी से वो एसपी, सॉरी, मार्केट प्राइस कितना रखा होगा, 5 रखा होगा। सीपी रहा होगा 4 और मार्केट प्राइस जो कितना रखा होगा, 5 रखा होगा। फिर कह रहा है कि 10% की छूट देने के बाद 720 रुपये में बेचा, यानी 10% का छूट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे देगा, यानी मार्केट प्राइस अगर 10 रहा होगा तो छूट दे करके बेचा कितने का होगा, 9 रुपये का, यानी 9 रुपये जो ये 9 रेशियो आ गया हमारा, इसको हम रुपए नहीं यूनिट कहेंगे, 9 यूनिट जो आ गया ये हमारा कितना आ गया, एसपी आ गया यानी बेचा इतने का। अब देखिए हमारा मार्केट प्राइस यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो हम इन दोनों को करेंगे बराबर। बराबर करने के लिए हमें यहाँ 2 से गुणा करना होगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से हमने गुणा किया तो यहाँ भी करना होगा। अब देखिए सीपी हमको मिल गया 8 और ये मार्केट प्राइस हमको मिल गया 10, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है, 2 रेशियो का अंतर है। फिर कह रहा है कि हमें 720 रुपये में बेचा जाता है, तो यानी 9 रेशियो का मान दे रखा है एग्जैक्ट में 720 रुपये, क्योंकि 9 रुपये बिक्री मूल्य है ना, ये 9 आपका रेशियो जो है ये बिक्रय मूल्य का है और एग्जैक्ट में उसकी वैल्यू कितना है, 720 रुपये है। तो 1 रेशियो का मान यहाँ किसके कितना आ जाएगा, 9 8 72 यानी 80 आ जाएगा, 80 रुपये 1 रेशियो का मान है। तो हमसे पूछ रहा है कि सीपी और मतलब क्रय मूल्य और मार्केट जो प्राइस है, जो बाजार मूल्य है, उन दोनों के बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर है 2 रेशियो का, 1 रेशियो का मान 80, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, गुणा 80 हम कर देंगे यानी 160 रुपये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट हो जाएगा 180। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 31 नंबर के प्रश्न पे। ठीक, 31 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर अधिकतम कितनी प्रतिशत की छूट दे सकता है, उसे अंत में न लाभ हो न हानि हो। फिर कह रहा है कि यदि वह प्रारंभ में वस्तुओं का जो मूल्य है वो 40% अंकित करता हो, तो कहने का मतलब एक व्यापारी अंकित मूल्य पर अधिकतम जो है कितनी प्रतिशत की छूट दे सकता है कि उसे अंत में न लाभ हो या न हानि हो, यदि वह प्रारंभ में ही क्या करता है, वस्तुओं का जो मूल्य है उस पर 40% अधिक अंकित करता हो। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु, अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि वस्तु की सीपी क्या है, 100 रुपये है, यानी कोई वस्तु है वो 100 रुपये का खरीदता है और वो पहले ही 40% अधिक उस पर अंकित कर देता है, यानी मार्केट प्राइस उसका कितना कर दिया, 140 कर दिया, पहले ही 40% बढ़ा के लिख दिया, यानी 140 रुपये उसका मार्केट प्राइस कर दिया। अब कह रहा है कि 140 वो कितने प्रतिशत की छूट दे दे कि उसको ना लाभ हो या ना हानि हो, तो कितने प्रतिशत छूट देने के बाद, यानी कि वो 100 रुपये का अगर बेचेगा तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा, क्योंकि वो 100 रुपये का खरीदा है और 100 रुपये का ही बेचेगा तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 140, फिर हम क्या करते हैं, 100 माइनस छूट जो भी होता है, 1% की छूट दे रहा है, 100 बटे जो है 100 माइनस 1/100 कर देंगे, इस पे छूट देने के बजाय वो कितने का बेचेगा, 100 रुपये का बेचेगा। कह रहे मतलब ये 140 रुपये मार्केट प्राइस पे 1% की छूट दे करके वो 100 रुपये का बेचेगा, तो ना उसको लाभ होगा ना हानि होगा, तो हमें यहाँ x की वैल्यू ही निकालना है। ये 0 से हम 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14, ये 100 माइनस x बराबर 1000, कितना हो जाएगा, 1000। अब इसको हम सीधे इधर पक्षांतर कर देंगे, 100 माइनस x बराबर ये आपका 14 इधर जाएगा, तो ये 500/7 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये 14 7 बार में कटेगा, ये 1000 जो है 500 बार में कटेगा। अब इधर हम x का मान अगर निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा, 700, और ये इधर हम क्या कर देंगे, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए अगर हम x को इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 700 माइनस 500/7, यानी x का जो मान आएगा आपका यहाँ से वो आ जाएगा x बराबर 200/7। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28.57, 28.57 जो कि आपका परसेंटेज जो छूट है ये 28.57, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 32 नंबर के प्रश्न पे। तो 32 नंबर के प्रश्न को हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 1% और 20% की जो क्रमिक छूट है तो अकेली छूट हमें बताना है। तो अकेली छूट हम कैसे निकालते हैं, a+b-ab/100, ये फार्मूला ही हमने आपको बता रखा है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं 33 नंबर के प्रश्न पे। 33 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि
यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर 144 हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो कह रहा है कि एक सिंगल छूट है जो कि 30% है किसी वस्तु पर, और उसके बाद क्या है कि 10% और 20% की क्रमिक छूट है। 10% और 20% के अगर क्रमिक छूट की हम बात करें तो इसको सॉल्व करके हम कैसे ए प्लस बी माइनस ए बी वाई 100 से हम क्या करते हैं 20 × 10/100, यानी इसका मान कितना आता है 28% आता है। इन दोनों के बीच अंतर जो है 2% का है, 2% का। यही अंतर जो है कितने के बराबर दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है 144 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1% का मान क्या आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा आपका 72। कितना आ जाएगा 72, 1% का मान अगर 72 आ गया तो इसका 100% ही जो भी मार्केट प्राइस होगा इसका 100% अपने आप में होता है, तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा 7200, यानी कि यही सबसे सही जवाब हो जाएगा 7200। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 34 नंबर के प्रश्न पे। 34 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर की अंकित कीमत, टेप रिकॉर्डर की जो है अंकित कीमत वो 12600 है, उस पर 5% की त्योहार छूट दी जाती है, इसके अतिरिक्त जो नगद भुगतान करने पर उसको 2% की दूसरी छूट दी जाती है, उसे खरीदने के लिए कितना नगद भुगतान रुपए में करना होगा। यानी कि 12600 के कोई टेप रिकॉर्डर है जिसे 5% का त्योहार छूट है ही, अगर आप नगद खरीदते हैं तो 2% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, यानी आपको दो छूटें मिल रही हैं, उसके बाद आपको कितने रुपए उसको पे करना होगा ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए 5 और 2% की हमें छूट मिल रही है, तो दोनों छूट का हम सिंगल छूट बनाएंगे। सिंगल छूट कैसे बनाते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, तो 5 + हम 2 करेंगे, 5 + 2% माइनस 5 × 2/100 हम करेंगे 100, 5 + 2/100 करेंगे, तो सिंगल छूट यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 7 - 7 - ये आ जाएगा 5 × 10, यानी 0.1, यानी सिंगल छूट अगर देखें तो यह आ जाएगा हमारा 6.9%, 6.9% सिंगल छूट आ गई इन दोनों का। अब 6.9% जो है इसका हम छूट देने के बाद देखेंगे कि विक्रय मूल्य कितने का हो रहा है। तो देखिए हमें दे रखा है कि 12600 इसका मार्केट प्राइस है, 12600 है, और 6.9% की अगर छूट देखा जाए तो 100 में से हम 6.9% घटाएंगे, तो 6.9% अगर घटाएंगे तो आएगा 93.1%, 93.1% मतलब 93.1/100 हम करेंगे, तो इसी को सॉल्व करके हमें मान निकालना है कि इसका 93.1% कितना होगा। तो ये 00 सो आपका 00 कट जाएगा, तो 126 और 931 इसका हमें करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा आपका 11730, 11730.6 रुपये। ये कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, आपका यही फाइनली वैल्यू आएगा 11730.6 रुपये। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 35 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 35 नंबर के प्रश्न में कह रहा है आपका कि कोई दुकानदार है अपनी जो है विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है ताकि उसे परिव्यय पर उसे 25% का लाभ हो। विज्ञापित कीमत बताइए जिस पर वो उसे 6000 का लाभ हो। तो हमें कहने का मतलब ये है कोई दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत जो है उस पर 20% की छूट देता है ताकि उसको 25% का लाभ हो। अगर विज्ञापित कीमत हमें क्या करना होगा, विज्ञापित कीमत बताने हैं जिस पे उसको 6000 का लाभ हो। तो आइए देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे दे क्या रखा है, 20% की छूट देता है, यानी 20% का छूट का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस हमें अगर 20% के छूट का मतलब 1/20, यानी 5 का अगर मार्केट प्राइस उसका 5 रहा होगा तो बेचे कितने का होगा, बेचा होगा 4 रुपये का, 4 रेशियो का बेचा होगा, 5 रेशियो हमारा मार्केट प्राइस है, बिक्री वाला जो रेशियो है वो 4 हो गया, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि उसको 25% का लाभ होता है, 20% छूट देने के बाद उसको क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ का मतलब अगर वो खरीदा होगा 4 रुपये का और बेचा होगा 5 रुपये का तो उसको 25% का लाभ होगा। तो यानी अब देखिए SP SP, ये भी SP, ये भी SP, ये CP है, ये MP है। तो कहने का मतलब ये है कि SP हमारा दोनों जगह से सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए हम 5 से गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ पे करना होगा हमें 4 से गुणा, यानी यहाँ 4 से गुणा तो यहाँ भी 4 से गुणा करना होगा, और यहाँ 5 से गुणा तो यहाँ भी 5 से गुणा करना होगा। अब देखिए हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि उसको लाभ कितने का हो रहा है, 6000 रुपये का लाभ होता है, सारे प्रोसेस में जो है 6000 रुपये का लाभ होता है,
लेकिन यहाँ देखिए ये 16 16 हो गया, 4 चौका 16 और ये 5 चौका 20। हमें रेशियो में लाभ कितने का दिखाई रहा है, 4 रेशियो का लाभ। एग्जैक्ट में ये लाभ कितने का है, 6,000 रुपये का। एग्जैक्ट में लाभ कितने का है, 6,000 का। तो 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 1 रेशियो का अगर मान हमें पता चल गया 1500 है, तो हमारा मार्केट प्राइस क्या है, यानी विज्ञापित मूल्य क्या है, 5 5 25 25 रेशियो है। और 1 रेशियो का मान हमें 1500 पता चल गया है, तो हम यहाँ से 25 रेशियो का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25 गुणे 1500, 25 गुणे 1500 करेंगे तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 37,500। कितना आ जाएगा, 37,500 हो जाएगा इसका विज्ञापित मूल्य। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 36 नंबर के प्रश्न पे। 36 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक डिनर सेट का मूल्य जो है 1500 अंकित किया जाता है, यानी जो मूल्य है अंकित मूल्य क्या है, 1500 है। ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये अदा करता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम 2 छूटें दी जाती हैं और छूट की जो प्रथम दर है वो 15% की है, तो दूसरी छूट कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो इस तरह के प्रश्न हम आपको 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर में, तो अगर छोड़ देते इसको, चलिए लगा ही देते हैं क्या छोड़ा जाए। देखिए 1500 है और इतने रुपए अदा करता है, यानी फाइनली वो 1173 रुपये अदा करता है। एक छूट हमें पता है, तो एक छूट अगर हमें पता है और इसका हमें जो है अंकित मूल्य पता है, अंकित मूल्य कितना है, 1500 है, अंकित मूल्य पता है, और एक छूट है 15%, यानी 85/100 रुपये उसका जो अदा करेगा वो मूल्य होगा। और इसको अगर हम काट देते हैं 00 से 00, अब 15 गुणे हम 85 करते हैं, तो ये आ जाएगा 1275 रुपये। यानी पहली छूट के बाद उसका जो मूल्य होगा कितना होगा, 1275। और एक छूट और देता है, एक छूट और देने का मतलब एक छूट और देने के बाद वो कितने का खरीदता है, तो यानी सेलिंग प्राइस या कर सकते हैं उसके लिए कास्ट प्राइस कितना है, 1173 रुपये। अब इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, 102। इस टाइप का हम बता चुके हैं, 102 आता है। तो यानी 1275 का कितना प्रतिशत 102 के बराबर होगा, इसका मान हम निकालेंगे। तो 1275 का मान लेते हैं x प्रतिशत 102 के बराबर है। अब इसी को सॉल्व करके हमें x का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व हम करेंगे। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे x, और ये बटे में 100 गुणे 1275, 1275 बराबर 102। अब ये हम काट देंगे, देखिए किससे काट दें, इसको हम अगर काट दें 25 से, देखिए 25 से इसको हम काट दें 4 बार में, और इसको हम 25 से अगर काट दें 51 बार। देखिए 25 25 25 125, और फिर 25 बचेगा, 25 एकम 25, 51 बार में कटेगा, और 51 से ये 2 बार में कट जाएगा। देखिए 51 से ये 2 बार में आपका कट जाएगा, इधर x का मान क्या आ जाएगा, टोटल 8% आ जाएगा। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 8%। दूसरी छूट हमारी क्या हो जाएगी, 8%। अब आइए 37 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को 4% की और छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। किसी 200 रुपये के खिलौने के लिए ग्राहक को कितनी नगद राशि पे करनी होगी, ये हमें बताना है। तो हमें सिंपल सी बात है कि 200 रुपये उसका अंकित मूल्य है, अगर 200 रुपये उसका अंकित मूल्य है तो हमें नगद भुगतान करना है, यानी 2 छूट मिलेगा, एक 15% का, यानी 15% का छूट मिलने के बाद वो 85/100 हो जाएगी, और वो जो नगद भुगतान करेगा तो 4% की और छूट, यानी 96/100, 96/100 हो जाएगा उसका मूल्य। अब इसी का मान हमें निकालना है, तो इसका मान हम निकाल लेंगे, सिंपल है। ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, और ये आप देखिए 00 से 00, तो इसको हम काट देते हैं 20 बार में ये कट जाएगा, और ये 5 से 20 बार में ये कटेगा 17 बार में, यानी 17 दूना 34 गुणा में आपका ये हो जाएगा 48 दूना 96। अब जो है 3448 का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली, और बटे में हमारा देखिए ये आपका 10 भी बचेगा, यहाँ 2 से हम इसको 48 काट देते हैं, 10 भी बचेगा। इसको अभी हम और काट सकते हैं, 17 से ये 2 बार में कटेगा, ये 48 रहने देते हैं, और ये 5 हो जाएगा, या सिंपली इसको 10 ही रहने देते हैं। हम 3448 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3448 का जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1632। कितना आ जाएगा, 1632 बटे में 10, 10 है 10 बटे में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1663.2, यानी एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यही हो जाएगा। यानी अगर नगद भुगतान करना हो तो 1663.2 रुपये हमें करना होगा। कुछ है नहीं इन सब प्रश्नों में, केवल कैलकुलेशन है, कंसेप्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बस सॉल्व करा के दिखाना है कैसे सॉल्व होता है। अब आइए 38 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि चॉकलेट के एक बार की कीमत 80 रुपये है, लेकिन उसे चॉकलेट के 6 बार वाले जो है बाक्स की कीमत 400 रुपये है, तो उस बाक्स पर जो है प्रभावी आपका प्रभावी छूट कितना है, ये हमें बताना है। कि यानी चॉकलेट के एक बार की कीमत क्या है, 80 रुपये है, चॉकलेट की एक बार की कीमत कितनी है,
80 रुपये है। ये ध्यान रखिएगा कि एक बार की कीमत 80 रुपये है, लेकिन 6 बार वाली जो चॉकलेट है वो क्या 400 रुपये में खरीद रहा है। 6 बार वाली चॉकलेट कितने का खरीद रहा है, 400 रुपये का। लेकिन अगर देखा जाए तो 6 बार की, अगर एक बार का 80 रुपया है तो 6 बार का कितना होना चाहिए, 6 बार का 480 रुपया इसका मूल्य होना चाहिए, 480 रुपये इसका मूल्य होना चाहिए। लेकिन वो कितने का खरीद रहा, 80 का खरीद रहा, यानी छूट उसने कितने प्राप्त किए, 80 प्राप्त किए। अगर छूट उसने 80 प्राप्त किए तो ये हमें परसेंटेज में निकालना है, तो 80 रुपये का छूट किसके रिस्पेक्ट में, 480 होना चाहिए था इसके रिस्पेक्ट में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम गुणा करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 से आपका 6 बार में कट जाएगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 100 बटे 100 बटे 6। अब 100 बटे 6 को अगर हम काट देते हैं तो इसका मान आ जाएगा 16.67%। ये समझ समझ गए होंगे आप लोग। देखिए एक एक का एक बार का कीमत जो दिया था वो 80 रुपये दिया था, और 6 बार वो 400 में खरीद रहा है। अगर वो 80 के हिसाब से खरीदता तो उसको 480 पे करने होते, लेकिन अगर वो 6 खरीदा है 400 में ही खरीदा है, यानी 80 का छूट पा रहा है 480 के रिस्पेक्ट में। 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, 39 नंबर के प्रश्न पे। 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1200 की अंकित कीमत वाली शर्ट पर 15% की छूट दी जाती है, लेकिन उस शर्ट को क्या और नगद छूट देने के बाद 918 रुपये में बेचा जाता है, नगद छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए 1200 की जो है शर्ट है उस पर 15% की एक छूट दी जाती है, लेकिन नगद भुगतान पर करने पर एक और छूट दी जाती है जिसके बाद 918 में बेचा जाता है। इस तरह का प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सिंपली दे रखा है कि 1200 रुपये की शर्ट है और एक 15% की छूट यानी वो 85/100 में बिकी होगी, फिर उसके बाद एक छूट दिया जाएगा। तो पहले इसको देख इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1200 ये 0000 कट जाएगा, इसको हम अगर 12×85 कर दें तो आपका आ जाएगा 101020। 12×85 अगर हम कर दें तो इसका मान आ जाएगा 1020, यानी 1200 की जो शर्ट है 15% छूट देने के बाद 1020 की बिक रही है। लेकिन इसके बाद भी एक छूट और दिया जा रहा है जिसके कारण वो कितने की बिक रही है, 918 का बिक रही है। कितने का बिक रही है, 918, ये प्रश्न में हमें दे रखा है, यानी अभी और कितना कम में बिकी, ये इन दोनों का डिफरेंट अगर हम निकाल लें तो ये बिकी 102 रुपये की, 102 रुपये अभी कम में बिकी। तो हमें क्या निकालना है, एक परसेंटेज निकालना है। तो यानी 1020 का कितना प्रतिशत 102 होगा, तो हम मान लेते हैं कि 100% इसका 102 के बराबर होगा। तो इसी से हम ये मान निकालेंगे, तो ये 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 102 से 102 कट जाएगा, यानी x बराबर क्या है, 10%, यानी दूसरा छूट जो रहा होगा नगद छूट वो 10% रहा होगा। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, लास्ट प्रश्न हमारा होगा 40 नंबर का प्रश्न। 40 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि किसी आइटम पर 25,000 के अंकित मूल्य पर 5% की नगद छूट दी जाती है, दी गई एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट देने के बाद वह आइटम 20,900 में बेचा जाता है, तो सीजन डिस्काउंट हमें बताना है। तो सेम यही प्रश्न है, कह रहा है कि 25,000 की कोई वस्तु है और 5% का जो है उसको नगद छूट दी गई। तो मान लीजिए कि 25,000 की कोई वस्तु है, 25,000 की वस्तु है, इस पर 5% का नगद छूट, यानी वो कितने की बिकी, 95/100 का बिकी, 00 से 00 आपका कट गया, और 00 से 00 आपका कट गया, तो इसको अगर आप हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 23,000 आपका 750, कितना आ जाएगा, 23,750 रुपये आ जाएगा। लेकिन फिर कह रहा है आपसे कि उसको एक और डिस्काउंट दिया जाता है जो सीजन डिस्काउंट होता है, अतिरिक्त तो होता है, उसको देने के बाद 20,900 की वो बिक रही है वस्तु, तो कितने की बिक रही है, 20,900 की बिक रही है। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत डिस्काउंट होगा, तो बताइए 23,750 का है, अब 20,900 का बिक रहा है तो कितने कम में बिका, तो 2,850 रुपये में कम में बिका। इसका अंतर दोनों का अंतर क्या, 2,850 होगा, तो कितना प्रतिशत होगा ये, 2,850 इसका कितना प्रतिशत होगा, किसका, 2,300 जो है 2,375 का, यहाँ पे हम कह सकते हैं 23,750 का ये कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करते हैं गुणा, यही तो होगा हमारा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 0 से आपका, सॉरी ये 0 से नहीं कटेगा, देखिए फाइनली जब इसको आप काट देंगे तो ये देखिए आपका बनेगा 2,850 और ये 00 बटे 2,375, कितना बनेगा, 2,375, ये आपका 2,375। अब इसको जब हम क्या करेंगे 2,375 और ये नीचे 0 आता है, 0 से 0 कट जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो काटने पीटने के बाद देखिए आप टुकड़ों में करके इसको जब काटेंगे तो काटने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 12,
यानी 12% होगा वो सीजन डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा डिस्काउंट यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे एवरेज। इसके बाद हम एवरेज शुरू करेंगे। एवरेज के जस्ट बाद हमारा है रेशियो प्रपोर्शन। तो एवरेज और रेशियो प्रपोर्शन हम समाप्त करेंगे। एवरेज और रेशियो प्रपोर्शन जैसे ही हमारा समाप्त हो जाता है, उससे संबंधित एक चैप्टर हमारा पार्टनरशिप। इसके बाद हम पार्टनरशिप को समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को ही शुरू करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट ई मैथ की बुक आपको सॉल्व कराई जाती है। फिर इसके बाद से अगर ये खत्म हो जाता है, अगर टाइम बचता है, तो कोई और बुक हम इसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे या फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। और जैसे ही आपका ये GD का एग्जाम खत्म हो जाएगा, वैसे ही कोशिश करेंगे कि हम UP पुलिस के लिए भी स्पेशल कोई मैथ एक बुक को या तो सॉल्व कराया जाएगा या तो हम खुद से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे प्रीवियस ईयर का। तो जुड़ जाए हमारे चैनल से। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।